अच्छा, अब हमारा क्योंकि मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग और टूल्स के जरिए प्रोडक्ट हंटिंग हो गई है, तो देखे प्रोडक्ट हंटिंग के बाद भी एक स्टेज होता है जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन। आपकी जब प्रोडक्ट हंटिंग हो जाए तो आपने एक्सेल शीट, स्क्रीनशॉट, कीवर्ड्स या प्रोडक्ट लिंक, जो भी आपने अपना डेटा बनाना है बना ले। अब उस डेटा को आपने कुछ इसकी कंडीशंस होती है या कुछ कह ले इसके शराइत होते हैं, उन शराइत पे अगर वो प्रोडक्ट पूरी उतरती है तब आपने जाना है। बेशक वो हॉट सेलिंग हो, लेकिन जब तक वो शराइत पूरी ना हो तो उस प्रोडक्ट की तरफ आपने नहीं जाना। उसकी कुछ शराइत है जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले और सबसे अहम बात यह है कि उस प्रोडक्ट में ये शर्त होनी चाहिए कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है? कुछ ऐसी प्रोडक्ट जो आपका मसला हल कर रही हो। क्या मसला? फॉर एग्जाम्पल, मेरे बाल गिर रहे हैं, मैं गंजा हो गया हूँ, तो कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जो मैं लगाऊं और मेरे बाल आ जाए, इस तरह का प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो। या कोई ऐसी प्रोडक्ट हो कि अब मैं आपको क्या उसकी एग्जाम्पल दूं, मतलब ये कि वो रूटीन में जो आपकी लाइफ का जो सर्कल चलता है ना, उसमें आपको मुख्तलिफ मसले मसाइल आते हैं, मुख्तलिफ पेचीदगी आती है, वो प्रोडक्ट जो आपके मसले मसाइल हल करे, आसानियाँ पैदा करे। वो प्रोडक्ट सिंपल जबान में ऐसे कह सकते हैं कि जो थोड़ी सी आसानी आपके लिए पैदा करे वो प्रोडक्ट आपकी चलती है। ठीक है, उसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल यही ले लो कि मेरे बाल गिर रहे हैं, मुझे प्रोडक्ट चाहिए, मेरे स्किन खराब हो रहे हैं, मुझे प्रोडक्ट चाहिए। ट्राई करें कि ऐसी प्रोडक्ट से बचे जो पेट के अंदर जाती हो, मतलब कोई पिल्स वगैरह हो गई या कोई ऐसी मेडिकेटेड प्रोडक्ट हो गई या बॉडी के ऊपर लगती हो। ये तो खैर मैंने वो आपको एग्जाम्पल दे दी है। ठीक है, तो इस तरह की प्रोडक्ट से बचे। कोई जनरल यूज में कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढे जो किचन रिलेटेड हो या होम एंड इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में आती हो, इस तरह की प्रोडक्ट ढूंढे। तो सबसे पहली प्रोडक्ट के जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो। दूसरी शर्त उसकी ये है कि उसकी लोकल अवेलेबिलिटी बिल्कुल ना होने के बराबर हो। अब लोकल अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है? लोकल अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये पेन है, नहीं है, मुझे पेन चाहिए। ठीक है, मुझे पेन चाहिए। अब ये पेन ऐसी एक प्रोडक्ट है जो दो कदम बाहर जाओ तो आपको किसी भी दुकान से मिल जाएगी, तो इसकी लोकल अवेलेबिलिटी हर जगह है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये पेन चाहिए। ठीक है, आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, आप अच्छे रेट में भी दे रहे हैं, लेकिन मुझे क्या जरूरत पड़ी हुई है कि जो मैं 2, 4 मिनट, 5 मिनट में जाके अपने लिए ले सकता हूँ, मैं 2 दिन आपका वेट करूँ कि भाई जान मुझे पेन मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की है वो आएगा, मैं लूँगा, और उसके फिर डिलीवरी चार्जेस भी एक्स्ट्रा से पे करूँ, सरदर्दी भी हो मुझे कि कब आएगा पता नहीं क्या, तो क्यों ना मैं नीचे जाके आराम से ये प्रोडक्ट ले लूँ अपने लिए। तो इस तरह की प्रोडक्ट आपकी नहीं बिकेगी, बेशक अच्छी प्रोडक्ट हो लेकिन नहीं बिकेगी। क्यों? क्योंकि इसकी लोकल अवेलेबिलिटी है, नीचे करियाने से जाके ले लूँगा या कोई हार्डवेयर से ले लूँगा, कोई सेनेटरी स्टोर से ले लूँगा, किसी भी शॉप से मैं ले लूँगा। ठीक है, अब लोकल अवेलेबिलिटी ना होने के बराबर का क्या मतलब है? उसका मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जाम्पल समझ ले कि मेरे पास ये माउस है, ये कोई नई सी प्रोडक्ट है, वायरलेस माउस फर्स्ट टाइम आया हुआ है पाकिस्तान में समझ ले। ठीक है, अब ये मैंने ऑनलाइन देखा, ऑनलाइन जब मैंने ये माउस देखा तो मुझे बहुत पसंद आया। अब मुझे पता नहीं है कि यार ये प्रोडक्ट पता नहीं कहाँ से मिलेगी यार। अब मैं करियाने वाले का सोचूं, यार करियाने वाले से तो नहीं मिल सकती। अच्छा, हार्डवेयर, यार ये हार्डवेयर से भी नहीं मिल सकती। ये मैं मोबाइल वाले से, यार वहाँ से भी मुश्किल है ये मिल जाए। ये मैं सेनेटरी से ले लूँ, यार वहाँ से भी मुश्किल है ये मिल जाए। ये ऐसी प्रोडक्ट के जिसका आपको कोई सुराग ना मिले कि वो कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी मुझे। आप किसी को दिखाओ तो उसको पता ही ना हो कि यार ये कहाँ से मिलेगी। तो वो प्रोडक्ट आपकी 100% बिकेगी अगर उसका डेटा आपने निकाला, डेटा ठीक है और लोकल अवेलेबिलिटी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो ज़रूर बिकेगी वो प्रोडक्ट आपकी। तो सबसे पहले जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, उसके बाद लोकल अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। जब ये दो शर्त हो ना, तो फिर आगे उसके दो तीन चार और शराइत छोटे छोटे, वो ये है कि डायमेंशन उसकी कम होनी चाहिए। मतलब ऐसी प्रोडक्ट ना हो कि जो बहुत बड़ी हो डायमेंशन में। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी प्रोडक्ट होती है कभी कभार,
100 ग्राम भी नहीं होती, लेकिन वो इतनी बड़ी होती है ना, तो उस प्रोडक्ट से आपने बचना है क्योंकि उसके डिलीवरी चार्जेस फिर आपको काफी महंगे पड़ेंगे, तो वो मसला आएगा। ठीक है, अगली शर्त ये है कि उसके अनब्रेकेबल हो, मतलब ब्रेकेज का खतरा ना हो। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जो बहुत अच्छी होती है लेकिन उसके ब्रेकेज का बहुत इशू होता है जब वो रास्ते में जाती है, तो जाहिर है पाकिस्तान में क्या हर जगह पे डिलीवरी बॉय इसको फेंकते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, कोई ख्याल नहीं करता, बोरियों में बंद करके दबाते हैं, ऊपर पाव रखते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स मुश्किल से चलती है आपकी, क्योंकि वो सारे उसमें मसले मसाइल अनब्रेकेबल होनी चाहिए। इसके अलावा उसका वेट कम होना चाहिए, लेस वेटेड होनी चाहिए, तब वो आपकी बिकेगी। अगर उसका वेट ज्यादा हुआ तो डिलीवरी चार्जेस आपको ज्यादा पड़ेंगे। उसके अलावा एक और शर्त उसकी ये है कि वो कॉमनली एंड यूज्ड हो, मतलब हर बंदे के यूज में हो। अगर हर बंदे के यूज में ना हो तो एटलीस्ट हर घर के यूज में वो हो, हर घर के यूज में होगी तो वो अच्छी बिकेगी।